अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज फैसल ए टू जी ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब पे मेरी सेम आइडिया फैसल ए टू जी ब्लॉग के नाम से सब पे मुझे फॉलो कर दें। तो वेलकम करता हूँ आपको आज एक न्यू फूड ब्लॉग में। तो जो आज का मेरा फूड ब्लॉग बनने जा रहा है वो मैंने एक सिलेक्ट किया है जी, एक पैलेस्टाइन रेस्टोरेंट फलस्तीनी रेस्टोरेंट में आया है। जो इनका खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्टी खाना है। तो चलता हूँ अंदर और आपको दिखाता हूँ तो क्या क्या इनके पास अवेलेबल है। तो ट्राई करते हैं जी आज उनका बेस्ट फूड। तो जैसा कि हम लोग खाते हैं ना कि स्पाइसी खाते हैं, उनका खाना स्पाइसी नहीं है, टेस्टी है, ये सुनने में आया है। जैसे कि बाकी जो इधर हमारे देसी पसंद रेस्टोरेंट के खाना हम स्पाइसी खाते हैं, लेकिन इनका खाना स्पाइसी नहीं है, टेस्टी है। तो स्टे ट्यून विद फैसल ए टू जी ब्लॉग्स। यह है जी आज का मेरा रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट का जो नाम है वो है जी बादशाह टेस्ट ऑफ यरूशलेम। तो बड़ा थोड़ा डिफरेंट सा नेम है और आखिर में जो यरूशलेम है थोड़ा सा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, क्योंकि ये पैलेस्टाइन फलस्तीनी रेस्टोरेंट है मेरे ख्याल से। तो चलता हूँ अंदर, आपको दिखाता हूँ क्या क्या अवेलेबल इनके पास। देखिए जी, ये है जी इनकी इंट्रेस। तो इंट्रेस में ये इन्होंने रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये पैलेस्टाइन है, ये देखें, ये झंडा है फलस्तीन का। तो ये लिखा है प्लीज वेट टू बी सीटेड। इनकी एम्बियंस, तो ये देखें जी इनकी एम्बियंस कितनी प्यारी है माशाल्लाह। तो आज इतना रश भी नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी एम्बियंस लग रही है। तो इनके ये देखें जी सीटिंग, तो माशाल्लाह ये सामने देखें जी, वो देखें वो सामने बड़ी सी परात लगाई हुई है। ये सारी इनके एम्बियंस हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ जी इनका मेन्यू, तो फिर कुछ ऑर्डर करते हैं जी। इन्होंने मुझे दे दिया जी मेन्यू, बादशाह टेस्ट ऑफ यरूशलेम सिंस 2020 फोल्टन एवेन्यू सैक्रामेंटो 95825। तो ये देखिए, हाय लैम चॉप्स, वाओ दिल तो करता है ये ट्राई करूँ लैम चॉप्स। तो ये है जी सारा इनका मेन्यू। तो काफ़ी लंबा मेन्यू है इनका यार। तो ये देखिए माशाल्लाह, तो डिशेस भी जो स्टार्ट होती है 20, 29, 17, 18 इस तरह का है। तो एक्सपेंसिव है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। तो मैं तो आपको कहूँगा कि रिकमेंडेड करता हूँ आपको ये ट्राई करना चाहिए। तो ये है भी हलाल माशाल्लाह अपने फलस्तीनी भाई हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह सारा इनका मेन्यू है। तो पढ़ तो नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा लंबा मेन्यू है। इन्होंने अपने बादशाह मैज़ा प्लेटर, हमस, फ्लेफल, किबी, कुफ्ता, हैरियस, डीप फ्राइड कबाब, सुमक फ्राइज, फ्राइड श्रिंप। तो मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। ये जी इन्होंने स्टार्टिंग में ये है ब्रेड और साथ में ये सुमक कोई इनका है, जैसे हम खाते हैं चाट मसाला वगैरह उस तरह का कुछ है। और ये है जी ओलिव ऑयल और ये साथ में है जी ओलिव। तो ये इन्होंने दिया है एज ए फ्री स्टार्टर के तौर पर, आप ट्राई करें। तो मैंने अपना ऑर्डर दे दिया और साथ में जो है जी वाटर, मिंट वाटर। तो ये देखें जी, तो ये मैं ट्राई करता हूँ आपको बताता हूँ जी कैसा टेस्ट है इसका। मैंने अपना दे दिया तो मैं वेट कर रहा हूँ खाने का। तो मैंने ऑलिव वगैरह चेक किया इनका, ऑलिव अच्छा है, गुड माशाल्लाह। तो बाकी मेरा खाना आ रहा है, तो जब आएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैंने ऑर्डर किया है। तो बड़ा टेस्टी है इनका खाना। तो स्टे ट्यून्ड विद फैसल ए टू जी ब्लॉग। ये मेरा ऑर्डर आ गया। तो ये मैंने किया है जी मिक्स प्लेटर, इसमें है चिकन, बीफ और ये साथ में राइस। और ये देखिए जी, ये है जी शिमला मिर्च, टमाटो, ऑनियन और साथ में ये टू सॉस। तो ये ब्रेड, ये वो तो इन्होंने दिया एज ए स्टार्टर के तौर पर। और साथ में ये है जी मेरा हमस। तो ये है जी मेरा जो मैंने ऑर्डर किया है। तो खाना स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ इनका कैसा खाना है। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर। तो स्टे ट्यून्ड विद फैसल ए टू जी ब्लॉग। तो ये जी बिस्मिल्लाह करता हूँ। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं जी जो इनके चिकन कबाब, ये कबाब कहते हैं, टिक्का कहने कबाब कहने सेम ही। तो ये देखते हैं माशाल्लाह इसका कलर। तो ये देखते जी, तो मैं ट्राई करता हूँ आपको बताता हूँ कैसे। तो इसको ट्राई करते हैं पहले जो है इसकी, इन्होंने दी हमको वाइट सॉस, उसके साथ ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ इसमें।
वाह यार माशाल्लाह पहली बाइट में बड़ा मज़ा है क्योंकि ये पहले मैंने बताया आपको ये स्पाइसी नहीं है टेस्टी है क्योंकि जो ये लोग हैं ये स्पाइसी कम खाते हैं ज़्यादा टेस्टी फूड खाते हैं माशाल्लाह। चिकन का कलर देखें और अंदर से अच्छी तरह इन्होंने वेल कुक किया हुआ है, ये नहीं कि वेल कुक नहीं किया, अच्छी तरह इन्होंने वेल कुक किया। ऐसे ट्राई करते हैं जो अपने डेट सॉस के साथ और वाह डेट सॉस के साथ तो टेस्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो वाइट है उसका अपने मजा है। और समझा माशाल्लाह और ये जी साथ में ऑलिव, ये तो मुझे बहुत पसंद है ऑलिव। अब ट्राई करता हूँ जिनका रॉइस जो उन्होंने मुझे दिए रॉइस साथ में। जो राइस है वो तो उसमें आ रही थी तो फिर मीठे की वाइट, लेकिन मैं एक बनाता हूँ जी थोड़ा सा एक बनाता हूँ मेरे लैम ये मेरे बन दी एक राइस ऊपर बनाई मैंने लैम और ये डाली थोड़ी सी वाइट सॉस, ये मेरी बन गई है वाइट। ये चेक कर तब इसको चेक करते हैं मसाला तीनों चीज़ें मिक्स की मैंने, लैम का अपना टेस्ट है और जो जो राइस है उसका अपना टेस्ट है और जो सॉस है इसका अपना टेस्ट है, तीनों चीज़ों का अलग अलग टेस्ट है। ये नहीं कि टेस्ट मिक्स हो गया, टेस्ट सब चीज़ों का अलग अलग है, लेकिन जो ये राइस है ये मुझे थोड़ी सी लग रही है मीठी मीठी सी वाइब आ रही है इसमें से। साथ में एक ये भी है जी हमस, ये भी ट्राई करता हूँ। ये देखिए ये भी माशाल्लाह अच्छा, अब एक ट्राई करता हूँ जी चिकन टिक्के के साथ। ये आ गया चिकन टिक्का और राइस और ये है जी इनकी जो रेड सॉस, ये ट्राई करता हूँ जी देखते हैं कैसा है। मसाला जो रेड है रेड सॉस स्पाइसी है, जो वाइट है उसका एक अलग ही टेस्ट है, स्पाइसी नहीं अलग ही टेस्ट है माशाल्लाह। तो अच्छा रहा जी मेरा आज माशाल्लाह। ये देखिए ये जूसी, ये देखा आपको नज़र आ रहा होगा जूस इतनी शाइनिंग शाइनिंग की, इसको वैसे ट्राई करता हूँ जी थोड़ी सी तोड़ने में हार्ड, लेकिन ये जोर देखिए कैसा है इसका जूस आ रहा है। इसको ट्राई करता हूँ पहले वाइट सॉस के साथ और फिर आपको बताता हूँ कैसा टेस्ट है। माशाल्लाह अच्छा टेस्ट है, लेकिन जो चिकन है वो चिकन लैम से ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि जो लैम थोड़ी सी ना ये हार्ड है चुबाने में हार्ड, लेकिन जो चिकन है चिकन वो बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ट्राई करता हूँ जी इसके साथ रेड सॉस के साथ, ये साथ में दिया जी उन्होंने टमाटर, टमाटर दिया जी मेरे साथ ग्रिल करके दिया है, अब ये दिया जी शिमला मिर्च, ये भी हल्की सी ग्रिल की है। इनका खाना बहुत अच्छा माशाल्लाह ओवरऑल। तो एक चीज़ मैंने और ऑर्डर किया वो है जी मिंट मार्गेटा, तो अभी ट्राई करना
हजी हमस हमस में डाले हैं जी इन्होंने जो है वाइट चने और नमक और ऊपर हल्का सा धनिया डाला हुआ है। अच्छा एक वाइट ले रहा है अच्छा ठीक है ट्राई करते हैं जी राइस के साथ। अच्छा माशाल्लाह टमाटर ट्राई करता हूँ जी लैम वाइट सॉस के साथ और ये इन्होंने दिया मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्या मसाला हरा सा ये डालता हूँ उसके ऊपर एक मिनट वाइट ये ट्राई करता हूँ। तीन चार आइटम है लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी लगी नंबर वन पे ये चिकन टिक्का नंबर टू पे लैम नंबर थ्री पर राइस और साथ में हजी हमस वगैरह लेकिन जो टिक्का खाने का मज़ा है वो वाइट सॉस के साथ ज़्यादा है ये जो रेड सॉस है ये हजी स्पाइस वाह माशाल्लाह खा रहे हैं खाना बहुत अच्छा है तो रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इनका खाना ट्राई करें बस स्पाइसी नहीं है टेस्टी बहुत है ये वाली कॉलर फाइनली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो खाना वगैरह मैंने सारा इनका ट्राई कर लिया सारा खा लिया माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका खाने का टेस्ट है तो पहले भी बताया कि स्पाइसी नहीं है तो टेस्टी बहुत है माशाल्लाह जो मैंने ऑर्डर किया था और जो वो देते हैं ना शुरू में वो ओलिव ऑयल ब्रेड तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी तो वो ऐसे स्टार्टर के तौर पर जो इनका कह सकते हैं एक रवायत है तो माशाल्लाह तो बहुत अच्छा सब कुछ। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए तो स्टे ट्यून विद फैसल A to Z ब्लॉग्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे फिर आपसे एक नए ब्लॉग में तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।